अभी हम आए हुए हैं कल्चरल पार्क जो मेट्रो स्टेशन, यहाँ पे वुमेन गारमेंट का बहुत ही बड़ा होलसेल मार्केट है। ये गोंजा मेट्रो का सिंबल है, आप जहाँ पे भी इसे देखोगे गोंजा मेट्रो का जो आइकॉनिक सिंबल है ही है, ये इसका साथी है ये कल्चरल पार्क। सुबह सुबह स्टार्टिंग हो जाता है सुबह 6 बजे, तो हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे, अभी 9:30 बज रहे हैं। कल्चरल पार्क का भी नजारा है, आप जैसे ही पार्क से एग्जिट करोगे, एग्जिट करने के बाद आपको राइट लेना है, तो राइट लेने से ही आपको मिल जाएगा शीशांग। ये एक बैग 100 RMB का है, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया। हाँ, ये हमारा सिस्टर है। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। अभी हम आए हुए हैं कल्चरल पार्क जो मेट्रो स्टेशन, वहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ पे वुमेन्स गारमेंट्स का बहुत ही बड़ा होलसेल मार्केट है, और उसका आगे मेंस गारमेंट्स का भी होलसेल मार्केट है। हम लोग दोनों जगह आज कवर करने वाले हैं, तो आपको अगर यहाँ आना है आप बाय मेट्रो आइए, सबसे कन्वीनियंट वे यही है। आप बसेस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेफर करूँगा कि आप मेट्रो से ही आएँ। मेट्रो से गोंजा मेट्रो का आप कल्चरल पार्क मेट्रो स्टेशन में उतर के डी एग्जिट से एग्जिट करें। एग्जिट करने के बाद अभी हम लोग जस्ट डी एग्जिट से ही एग्जिट किए हैं, अभी कल्चरल पार्क के तरफ चलते हैं। कल्चरल पार्क के भीतर से हम लोग चलेंगे, आप लोग देखते रहिए। ये गोंजा मेट्रो का सिंबल है, आप जहाँ पे भी इसे देखोगे ये गोंजा मेट्रो का जो आइकॉनिक सिंबल है ही है, ये इसका साथी है ये कल्चरल पार्क। अभी हम जिस मार्केट में जा रहे हैं, एकदम सुबह सुबह स्टार्टिंग हो जाता है सुबह 6 बजे, तो हम लोग थोड़ा लेट से पहुँचे, अभी 9:30 बज रहे हैं। ये हम लोग जो गोंजा का जो कल्चरल पार्क है वो पार्क में एंटर कर रहे हैं। पार्क का भीतर से क्या बहुत शॉर्टकट हमको आएगा, तो पहले हम लोग जाएंगे वुमेन्स गारमेंट्स मार्केट, उसका बाद हम लोग जो मेंस गारमेंट्स मार्केट है दोनों ही कवर करेंगे आज। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, ये बहुत ही अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिलेगा, और बहुत ही स्टाइलिश जो अपग्रेड जो गारमेंट्स वगैरह है वुमेन्स का, मेनली वुमेन्स का बहुत ही बढ़िया मिलेगा, और मेंस का भी बहुत ही अच्छा अच्छा ऑप्शन यहाँ आपको मिलेगा। तो इस ब्लॉग में हम लोग कवर करेंगे वुमेन्स गारमेंट्स फर्स्ट, और मेंस गारमेंट्स के लिए हम लोग दूसरा ब्लॉग बनाएंगे, एक ही साथ है आजू बाजू एक ही साथ आज ही हम लोग विजिट करेंगे, लेकिन दो ब्लॉग में आएगा वो। ये पहला ब्लॉग वुमेन्स गारमेंट्स का, इसको पहले देखते रहिए, और थोड़ा सा कल्चरल पार्क का भी नज़ारा देख लीजिए। ये जो गोंजा कल्चरल पार्क है, यहाँ पे ये लोग अपना जो संस्कृति है उसका प्रदर्शन करते हैं, और ये पार्क का कोई एंट्री टिकट नहीं है, आप फ्री में इसका एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आप हम लोग पार्क थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन देखने लायक है, लेकिन हम लोग अभी पार्क नहीं घूमेंगे, हमको थोड़ा देरी हो जाएगा, कहीं दोपहर को बंद हो जाता है ये वुमेन्स गारमेंट मार्केट जो है, तो हम लोग अभी पार्क से एग्जिट ले ले रहे हैं और मार्केट की तरफ चलते हैं। अब जैसे ही पार्क से एग्जिट करोगे, एग्जिट करने के बाद आपको राइट लेना है, तो राइट लेने से ही आपको मिल जाएगा शीशांग, जो इसको शीशांग करके करते हैं ये मार्केट का नाम है। तो रास्ते में ही आपको दुकान वगैरह दिखना चालू हो जाएगा, अभी होलसेल में है, और रिटेल भी ऑप्शनल लोग दे देते हैं। तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए, इस टाइप का है, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, थोड़ा अपग्रेडेड, यहाँ सेल भी लगा हुआ है, 5 का 1, 30 का 10 का 3 ऐसे कुछ। फ्रेंड्स, अभी हमारा पीछे है शीशांग 13 सेंटर मार्केट, ये देखिए, ये और 13 सेंटर मार्केट का अभी हम नीचे हैं। यहाँ आपको ज़्यादातर जीन्स का प्रोडक्ट मिलेंगे, जो कि पैंट स्कर्ट वगैरह, जो कि गर्ल्स वुमेन्स वेयर का है, गर्ल्स वेयर एक्चुअली नहीं है, या वुमेन्स वेयर का है, जो बड़े एडल्ट के लिए मिलेंगे, टीनेजर्स के लिए। यहाँ पे सब सेल वगैरह भी लगा हुआ है, जो कि 39 60 का स्टैंडर्ड है। यहाँ पे मेनली होलसेल का काम है, लेकिन ये लोग रिटेल भी दे देते हैं, तो अभी पेंडेमिक से पहले तो ये लोग रिटेल नहीं देते थे, लेकिन अभी रिटेल भी दे देते हैं। यहाँ पे दो ही स्ट्रीट है, फर्स्ट स्ट्रीट जो हम लोग अभी आए, अभी ये जैसे सेकेंड स्ट्रीट है, दो स्ट्रीट में बटा हुआ है। ये 6 या 7 फ्लोर का मार्केट है, अभी हम लोग अंडरग्राउंड में है, अभी अंडरग्राउंड में सब ऑलमोस्ट सेम ही है, जींस का ही प्रोडक्ट है। अभी ऊपर की तरफ हम लोग चलते हैं। फ्रेंड्स, अभी हम लेवल 1 में हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारा डिजाइनर कपड़ा वगैरह मिलेंगे, जो कि ये लोग मेनली तो होलसेल का है, लेकिन रिटेल भी दे दे रहे हैं। हम लोग देखे हैं, बहुत सारा दुकान रिटेल का ऑफर कर रहा है, लगा के भी रखा है बोर्ड,
आप लोग देखते रहिएगा, यहाँ थोड़ा कैमरा में रिस्ट्रिक्शन है तो मैं रनिंग में देखूंगा, आप लोग इसका साथ ही थोड़ा बहुत आइडिया कर लीजिए अरिंदर की। फ्रेंड्स अभी ये मार्केट में मैं लेडीज पर्स लिया हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का है और रेट भी इन्होंने बहुत अच्छा लगाया है। एक एक बैग 100 आरएमबी का है लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत ही बढ़िया। हाँ ये हमारा सिस्टर है, हाँ तो इन्होंने ये दिया है एक एक 100 आरएमबी का, और एक एक 100 आरएमबी का हिसाब से क्वालिटी वाइज बहुत ही लाजवाब। ये आप हम लोग इंडिया में लेके जाओगे, लेने जाओगे तो एक एक बैग आपको 3,000 में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही लाजवाब प्राइस में ये लोग दे रहे हैं। ये बहुत सारा कलेक्शन भी है, आप आए तो यहाँ आइए। तो शाओशिंग ऐसा शाओशिंग नहीं, ये आपका क्या है मार्केट का नाम ही मैं भूल गया, कल्चरल पार्क का पास ही है तो मैं बता देता हूँ आपको अभी मार्केट का नाम। फ्रेंड्स अभी हम 13 सेंटर मार्केट का लेवल 1 में है, जहाँ पे आपको बहुत सारा डिजाइनर एकदम अपग्रेड फैशन का वुमेन्स गारमेंट मिलेंगे। वो लेडीज का पर्स का भी दुकान था, वहाँ से मैंने अभी पर्स ले लिया जो कि बहुत ही लाजवाब क्वालिटी का था। ये 13 सेंटर मार्केट, अगर आप डिजाइनर बढ़िया बढ़िया फैब्रिक का मतलब बढ़िया गारमेंट चाहते हो तो आपके लिए मस्ट विजिट है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे थोड़ा कैमरे का रिस्ट्रिक्शन चल रहा है इसलिए मैं थोड़ा देख देख के कर रहा हूँ, रनिंग टूर आप लोग देखिए। फ्रेंड्स अभी हम लेवल 2 का तरफ चलते हैं, क्योंकि लेवल 1 मोटा मोटी इसी टाइप का ही सब वेस्टर्न आउटफिट में आपको डिजाइनर गारमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग का बच्चे का कोई ऑप्शन नहीं है, जो भी है मतलब टीनेजर और वुमेन्स के लिए है। यहाँ पे स्ट्रीट का नाम जैसे फर्स्ट स्ट्रीट सेकेंड स्ट्रीट का नाम जापान स्ट्रीट साउथ कोरिया स्ट्रीट ऐसा नाम जस्ट दिया हुआ है। गारमेंट्स तो सब चाइनीज ही मिलेंगे आपको, नाम के हिसाब से लोग जापान स्ट्रीट साउथ कोरिया स्ट्रीट ऐसा कुछ डाल के रखे हैं। यहाँ पे आपको हर फ्लोर में हर दुकान का लगभग हर दुकान के सामने ये लोग का कुछ जो स्टॉक होता है ये लोग रिटेल के लिए रखा हुआ है और आपको प्राइस भी दिया हुआ है। यहाँ पे कोई बार्गेनिंग का ऑप्शन बहुत ही लिमिटेड है, एकदम ना के बराबर आपका, और होलसेल का तो काम ज़्यादा है उसमें आप बार्गेनिंग वगैरह कर सकते हैं, लेकिन जो रिटेल का एक दो पीस लेंगे उसमें बार्गेनिंग का कोई ऑप्शन नहीं। यहाँ पे जो स्टोर कीपर वगैरह है 99.9% आपको सब लेडीज ही मिलेंगे। एक्चुअली चाइना का पूरा हर जगह में ऐसा ही है, लेकिन खास करके ये मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे एक भी, ज़्यादातर सब लेडीज शॉपकीपर वगैरह ही है, मेंस है तो वो लोग शॉपकीपर तो नहीं है, वो लोग धोने होने के लिए है। तो और लेडीज लोग जो होते हैं बहुत ही पोलाइट होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। आपको यहाँ पे मतलब कुछ परचेस करके भी मतलब उन लोग का जो एटीट्यूड है सब कुछ बहुत ही बढ़िया रहते हैं। ये देखिए अभी हम सेकेंड स्ट्रीट में हैं, जो कि सेकेंड फ्लोर का सेकेंड स्ट्रीट जिसको साउथ कोरिया स्ट्रीट जापान स्ट्रीट ऐसे करके, अभी हम साउथ कोरिया स्ट्रीट में हैं, उस तरफ हम जो थे वो जापान स्ट्रीट।
फ्रेंड्स, अभी भी हम सेकंड फ्लोर में ही है, तो यहाँ हर फ्लोर में हम थोड़ा बहुत ही दिखाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे सब सिमिलर टाइप का ही है, आप आओगे। लेकिन आपको एक चीज है जो वेस्टर्न आउटफिट में आपको जितना वैरायटी वगैरह होता है सब यहाँ आपको मिलेंगे, और वो भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम थर्ड फ्लोर की तरफ चलते हैं। ये टोटल फिफ्थ या सिक्स फ्लोर तक बना हुआ है, अभी हम जा रहे थर्ड फ्लोर। यहाँ पे है यूएस स्ट्रीट और चाइना टाउन स्ट्रीट, दो लेन है, हर जगह का अलग अलग डिफरेंट नाम दिया हुआ है। अभी हम जैसे नीचे थे जापान और साउथ कोरिया, अभी ये है यूएस स्ट्रीट और चाइना टाउन स्ट्रीट। अभी पहले यूएस स्ट्रीट देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चाइना टाउन स्ट्रीट। यहाँ पे आप जितना ऊपर जाओगे तो उतना ज्यादा होलसेलर लोग मिलेंगे, और ये लोग का जो ऊपर में आपको आइटम थोड़ा सा रेगुलर वाला आइटम मिलेंगे। मेरा तो रिकमेंडेशन आप लोगों को यही है, अगर आप रिटेल में कुछ लेना चाहो तो आप फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, और ग्राउंड फ्लोर में आपको अगर आपको जींस चाहिए तो बेसमेंट में, बेसमेंट वन एंड टू, वन है आप बेसमेंट वन, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, ये तीन फ्लोर आप विजिट करो। अगर आपको रिटेल में कुछ लेना है और वेस्टर्न आउटफिट में एकदम बढ़िया सा एकदम एंटीक लेना है थोड़ा हटके, और क्वालिटी वाइज तो एकदम नो डाउट। एक्चुअली मैं कहीं रिकमेंडेशन करता हूँ, एक्चुअली मैं भी गारमेंट इंडस्ट्री से हूँ तो मुझे पता है फैब्रिक वगैरह सब कुछ का, ये बहुत ही अपग्रेड टाइप का है। और थर्ड फ्लोर अगर आप होलसेल का काम करते हैं तो आप थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा रेगुलर टाइप का गारमेंट्स वगैरह मिलेंगे। लगभग हर दुकान का सामने आपको सेल का गारमेंट्स मिलेंगे, जो कि 100 का 3, 100 का 2 ऐसा कुछ लोग लगा के रखे हैं। उसमें बार्गेनिंग का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन आप लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया है। लेकिन थोड़ा सा क्या, अगर रिटेल में लेना है तो ठीक है, होलसेल के लिए तो नहीं है, और थोड़ा वो लोग सेल में जो आता है थोड़ा बैकडेटेड है, लेकिन ये यहाँ का बैकडेटेड मतलब हम लोग इंडिया में आराम से चलेगा वो। फ्रेंड्स, मैं फोर्थ फिफ्थ सिक्स फ्लोर नहीं जा रहा हूँ, एक्चुअली फिफ्थ फ्लोर सिक्स फ्लोर में ज्यादातर लोग का ग्राउंड बने हुए हैं, मतलब दो स्टोर लेके रखा है, एक नीचे एक ऊपर, और वो एक ही सिमिलर टाइप का दुकानें बने हुए हैं। तो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा फर्स्ट फ्लोर, तो मैं फर्स्ट फ्लोर को आप लोग को और एक बार दिखा देता हूँ, आप लोग के जस्ट आइडिया के लिए यहाँ पे किस तरीके का गारमेंट्स है, किस तरीके का आप ले सकते हैं, रिटेल होलसेल दोनों ही है। तो मैं और एक बार फर्स्ट फ्लोर में ही चलता हूँ, फर्स्ट फ्लोर को बढ़िया से दिखा के अपना लेडीज गारमेंट्स वेयर का जो ब्लॉग है वो खत्म करेंगे, लेकिन आप लोग को और एक बार हम फर्स्ट फ्लोर दिखा देते हैं। चलिए फर्स्ट फ्लोर की तरफ चलें। सेंटर जो मार्केट है ये लिवान डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि शी श्यांग करके ये लोग ऐसा कुछ बोलते हैं, जो कि कल्चरल एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा, ये लोग लिखते एक है और बोलते और एक है। तो आपका कल्चरल पार्क आप पकड़ के चलिए, कल्चरल पार्क का एकदम डिसाइड में है, तो लिवान डिस्ट्रिक्ट में है, और शी श्यांग ऐसे कुछ करके है, जो कि लेडीज गारमेंट मार्केट यहीं पर है, और इसका सामने ही है आपका
जेंट्स गारमेंट्स मार्केट, तो वहाँ पे हम लोग अभी चलेंगे और यहाँ पे और एक थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग ब्लॉग यहीं खत्म करेंगे। स्कूल में फ्रेंड्स, अभी हम अपना गारमेंट मार्केट का जो ब्लॉग है यही खत्म करते हैं, जो कि शोशियांग ऐसा कुछ करके है कल्चरल स्टोर के पास। ये ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो अभी भी हम चाइना में बने हुए हैं और आगे भी आपको चाइना का मार्केट वगैरह का ब्लॉग मिलेगा। तब तक के लिए यहाँ से बाय बाय।